सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां आप आते दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज के इस वीडियो में हम फ्लूनारिजिन तथा प्रोपरनोलोल कॉम्बिनेशन की टेबलेट के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे ये दोनों ही दवाइयाँ क्या है, यह टेबलेट क्या क्या स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, क्या नाम से हमें मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है, कितने रुपए मिलती है, इसके यूजेज क्या है पूरे विस्तार से, साथ ही कौन कौन व्यक्ति इस दवा को नहीं ले सकता, साइड इफेक्ट क्या होते हैं, और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे इस दवा को किस तरह से लिया जाना चाहिए और क्या ये प्रेगनेंसी में दी जा सकती है। ये सभी बात इस वीडियो में जाएंगे, इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे पूरी जानकारी आपको इस दवा के बारे में मिल सके। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदित्य, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज भी कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। वीडियो में सबसे पहले हम यह जान लेते हैं इस टेबलेट में फ्लूनारिजिन तथा प्रोपरनोलोल ये दोनों ही दवाइयाँ क्या है। तो फ्लूनारिजिन एक कैल्शियम चैनल दवा है जो हमारे मस्तिष्क में इंट्रासेल्युलर कैल्शियम के ओवरलोड को कम करने का कार्य करती है। साथ ही प्रोपरनोलोल एक बीटा एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट है जो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, जो कि हमारे मस्तिष्क में ब्लड फ्लो के प्रेशर को कम करने का कार्य करती है, और ये दोनों ही दवाइयाँ मिलकर बीमारी को ठीक करने का कार्य करती है। अगर इस टेबलेट की स्ट्रेंथ की बात करें तो इस टेबलेट में फ्लूनारिजिन दो अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, जिस कारण से इसकी दो स्ट्रेंथ मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि फ्लूनारिजिन 5 मिलीग्राम तथा प्रोपरनोलोल 40 मिलीग्राम, और दूसरी स्ट्रेंथ में फ्लूनारिजिन 10 मिलीग्राम तथा प्रोपरनोलोल 40 मिलीग्राम। यहाँ फ्लूनारिजिन की ही स्ट्रेंथ चेंज हुई है। अगर बात करें यह टेबलेट मेडिकल स्टोर पर किस नाम से मिल जाती है, किस नाम से हम इसे खरीद सकते हैं, तो कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम जैसे कि बीटाकैप प्लस टेबलेट, नाइग्रा प्लस टेबलेट, प्रावोनोल प्लस टेबलेट, इंडेडाल एफ टेबलेट तथा माइग्राबेटा प्लस टेबलेट, ये इसकी कुछ पॉपुलर ब्रांड है जो आपको फ्रीली कहीं पर मिल जाएगी, और ये सभी 5 मिलीग्राम तथा 10 मिलीग्राम की अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। अगर यहाँ पे इस टेबलेट की प्राइस की बात करें कितने रुपये मिल जाती है, तो जैसा कि दवा की प्राइस होती है ब्रांड टू ब्रांड अलग होती है, यहाँ पे हम एवरेज प्राइस को जान लेते हैं। जो इसकी एवरेज प्राइस है 5 मिलीग्राम तथा 40 मिलीग्राम की कॉम्बिनेशन की जो टेबलेट है, ये 10 रुपये की प्रति टेबलेट आपको मिल जाती है, और जो फ्लूनारिजिन 10 मिलीग्राम तथा प्रोपरनोलोल 40 मिलीग्राम की टेबलेट है, ये आपको लगभग 14 रुपये की MRP में प्रति टेबलेट मिल जाती है। हो सकता है कोई ब्रांड इससे सस्ती भी मिल जाए, जो आपको आसानी से सस्ती मिल जाए उसे आप खरीद सकते हैं, क्योंकि सभी दवाओं का एक जैसा ही असर होता है। अब वीडियो में आगे इस टेबलेट के यूजेस को जान लेते हैं। तो जैसा कि यह एक कैल्शियम चैनल ब्रोकर तथा बीटा ब्लॉकर कॉम्बिनेशन की दवा है, मुख्य रूप से मस्तिष्क पर कार्य करती है और मस्तिष्क से होने वाली समस्याओं को ये ठीक करती है। जिन बीमारियों को ठीक करती है उनमें से माइग्रेन बीमारी सबसे प्रमुख है। माइग्रेन एक प्रकार की बीमारी है जिसमें व्यक्ति का एक तरफा सिर दर्द होता है, चाहे वो दायां हो या बाएं हो, कोई भी एक तरफ का सिर दर्द होगा, और इतना तेज सिर दर्द होगा कि व्यक्ति को वहाँ पे कील चुभने जैसा एहसास होगा। साथ ही सिर दर्द शुरू होने के बाद में व्यक्ति को उल्टी होने जैसा, साथ ही पेट में गैस भी बन सकती है। और यह माइग्रेन का जो सिर दर्द है अलग अलग एपिसोड में आता है। शुरुआती 30 मिनट से एपिसोड के लगाकर 72 घंटे तक का एपिसोड होता है, मतलब जब भी व्यक्ति को माइग्रेन का सिरदर्द होता है तो हो सकता है 30 मिनट के बाद में उसका सिरदर्द होना ठीक हो जाए, और हो सकता है 72 घंटे मतलब 3 दिन तक भी उसका सिरदर्द हो। तो इस तरह के सिरदर्द में, माइग्रेन के सिरदर्द में, इस टेबलेट का मुख्य रूप से प्रयोग लिया जाता है, और प्रोफाइलेक्सिस रूप मतलब इसके बचाव में भी इसका प्रयोग लिया जाता है। दोस्तों जब भी माइग्रेन का सिरदर्द होता है, बहुत तेज दर्द को रिलीव करने के लिए, उस दर्द से मुक्ति पाने के लिए एक और टेबलेट है जिसका प्रयोग लिया जाता है, जिसका ब्रांड नेम है नेक्स्ट डोम टेबलेट। यह डोमपेडोन तथा नेप्रोक्सिन टेबलेट का कॉम्बिनेशन है, इसी का प्रयोग सबसे ज़्यादा लिया जाता है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाए, यदि अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो पर आई कार्ड पर क्लिक करके नेक्स्ट डोम टेबलेट की पूरी डिटेल आप जान सकते हैं। इस टेबलेट का अगला जो यूज़ है वह है यदि किसी व्यक्ति को सिर में किसी प्रकार की इंजरी हो गई हो, जिस कारण से सिर में उसको प्रेशर हो रहा हो, तब इसका प्रयोग लिया जा सकता है। किसी को सर्वाइकल की समस्या हो, सर्वाइकल का चक्कर आ रहा हो, सिर दर्द भी हो रहा हो, तो कई बार डॉक्टर द्वारा इसमें इसका प्रयोग लिया जाता है, और कई बार अननोन रीजन के कारण भी व्यक्ति का सिर दर्द होता है, तब भी प्रोफाइलेक्सिस रूप में इसका प्रयोग लिया जाता है। और कई बार यह देखा गया मस्तिष्क में किसी कारणवश किसी बीमारी के कारण प्रेशर बढ़ जाता है, सेरेब्रल कैल्शियम का ओवरलोड हो जाता है, तब भी इसका प्रयोग लिया जाता है। और कई बार यदि किसी व्यक्ति को चेस्ट में पेन हो रहा हो, चेस्ट में प्रेशर महसूस हो रहा हो, तो एज ए सपोर्टिव मेडिसिन दिया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसको नहीं दिया जाता है। और हो सकता है जो मैंने यूजेस बताएं इसके अलावा किसी अन्य बीमारी में डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पर इस टेबलेट का प्रयोग ले।
हालांकि इस टेबलेट का प्रयोग सभी व्यक्तियों में लिया जा सकता है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिसमें ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बिल्कुल मना ही है, उनमें प्रयोग नहीं लेना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति है जिसको डिप्रेशन की समस्या है, डिप्रेशन की शिकायत है, किसी को हार्ट स्ट्रोक की एक्यूट फेज है, हाइपोटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर किसी का लो रह रहा हो, डायबिटीज़ की समस्या हो, अस्थमा की समस्या हो या किसी अन्य प्रकार की किडनी या लीवर के संबंधित डिजीज हो, यदि ऐसा हो तो उन्हें यह दवा नहीं दी जाएगी। और बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो तो डॉक्टर को अपनी इस बीमारी के बारे में सूचित करें, डोज इसकी एडजस्ट करके या कोई सपोर्टिव मेडिसिन देके आपको यह दवा दी जा सके। अब इस टेबलेट के साइड इफेक्ट को जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, ये आपके फायदेमंद है, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। साथ ही ऐसे ही दवाओं से जुड़ी हुई जानकारी की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। अगर जाने इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स में व्यक्ति का जो हार्ट रेट है वो कम हो जाएगी, दिल धड़कना कम हो जाएगा, थकान व्यक्ति को आ सकती है, डिप्रेशन की समस्या होना, ड्राउजीनेस मतलब नींद आ सकती है, व्यक्ति के हाथ पांव ठंडे हो सकते हैं, चक्कर सा व्यक्ति को आ सकता है और व्यक्ति का वजन भी बढ़ सकता है, वेट गेन भी हो सकता है। ये कुछ साइड इफेक्ट मुख्य रूप से देखेंगे, ये या इसके अलावा कोई दूसरे अनवांटेड साइड इफेक्ट आपको मिले तो तुरंत इस टेबलेट को लेना बंद करें, अपने डॉक्टर से मिले, जिससे कि या तो इसकी डोज एडजस्ट करके आपको दी जा सके या इसकी जगह कोई अन्य टेबलेट आपको दी जा सके। अब वीडियो के लास्ट में जान लेते हैं इस टेबलेट की क्या डोज होती है, कितनी मात्रा में डॉक्टर द्वारा दी जाती है। जैसा कि यह टेबलेट दो अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, जिसमें फ्लूनाराइजिन 5 मिलीग्राम तथा प्रोपानोलोल 40 मिलीग्राम, दूसरी स्ट्रेंथ फ्लूनाराइजिन 10 मिलीग्राम तथा प्रोपानोलोल 40 मिलीग्राम। सामान्य रूप से यदि किसी व्यक्ति का सिर दर्द ज़्यादा समय से नहीं हो रहा हो, 2-3 महीने से हो रहा हो, माइग्रेन की इतनी समस्या उसको हो रही हो, तो उसे 5 मिलीग्राम तथा 40 मिलीग्राम का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति है जिसको सिर दर्द 6 महीने या उससे ज़्यादा, 1-2 साल या 4 साल 5 साल या उससे ज़्यादा समय से भी हो रहा हो, तो उस व्यक्ति को यह टेबलेट जो है फ्लूनाराइजिन 10 मिलीग्राम तथा प्रोपानोलोल 40 मिलीग्राम का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। कितनी मात्रा में दिया जाता है, सामान्य तौर पर एक ही टेबलेट दिन में दी जाती है, इसे रात को सोते समय दिया जाता है, अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। और जैसा मैंने बताया, यदि किसी व्यक्ति को बहुत ही पुराना माइग्रेन है तो उसे दिन में 2 बार दिया जाएगा, जिससे कि उसे सुबह खाने के बाद में और शाम को खाने के बाद में दिया जाता है। और ऐसे व्यक्तियों में कई बार सिर दर्द नहीं होने पर भी एक साइड का जो सिर है वहाँ पे कील चुभन जैसा लगता है, तो उन्हें दिन में 2 बार दिया जाता है। और जैसा मैंने बताया था, इस टेबलेट के साथ में कुछ सपोर्टिव मेडिसिन दी जाती है, जिसमें मुख्य रूप से नेक्स्ट डोम टेबलेट है, डोम पेडोन और नेप्रोक्सिन टेबलेट का कॉम्बिनेशन। और यह टेबलेट यदि कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र 15 साल से लगाकर उससे ऊपर की है, उन सभी में दी जा सकती है। लेकिन इससे कम उम्र का कोई बच्चा है जिसको माइग्रेन की समस्या, तो उन्हें कोई अन्य टेबलेट या कुछ फ्लूनाराइजिन ही दी जाएगी, जो डॉक्टर ही एडवाइज करते हैं। एक बात यहाँ पे ध्यान रखें, इस टेबलेट को सभी को दी जा सकती है, लेकिन जो प्रेग्नेंट वुमन है उनमें यह टेबलेट नहीं दी जाएगी। प्रेग्नेंसी में कुछ समस्या कर सकती है, ब्लड प्रेशर को फ्लक्चुएट कर सकती है, तो इस कारण से प्रेग्नेंट होने पर अपने डॉक्टर से मिले, कोई अन्य प्रकार की दवाई लिखाकर माइग्रेन का ट्रीटमेंट करवाएं। तो दोस्तों, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने फ्लूनाराइजिन तथा प्रोपानोलोल कॉम्बिनेशन की टेबलेट के बारे में आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुँची होगी, वीडियो आपको जोर से पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए बटन को दबाकर जोर से सब्सक्राइब कर दें, पास में जो बेल आइकन है इसे जरूर दबाएं, जो आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन मिल सके, सभी वीडियो आप मुफ्त में देख सके। आप थे अपने दोस्त मोहित आदित्य के साथ, देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।